ठीक है, याद रखना हमेशा ए वेक्टर डॉट बी, जहाँ पे लिखा हो ए डॉट बी लिखा हो तुम्हारे पास में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक समझ जाना। आदेश मतलब उसके साथ में दिशा नहीं होगी, ठीक क्या नहीं होगा, दिशा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा, ठीक। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसके साथ में कहीं तुम्हें दिशा दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, लेकिन आज हम जब निकालेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसके साथ में एक रहेगा एन फाई, ठीक। ये एकांक वेक्टर थे, एकांक वेक्टर होता है ना हमारे पास, और इसका मैंने एक रूल तुमको बताया था कि जगत में इसका काम क्या होता है, वर्ल्ड में काम इसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दिशा बताना, ठीक है। एकांक यूनिट वेक्टर जो हमारे पास में होता है जिसको तुम यूनिट वेक्टर बोलते हो, ठीक, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, सिर्फ ये ओनली दिशा बताना, ठीक है। कि ए लिखा हुआ इसके ऊपर ये कैप लगा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, दिशा बताएगा। मैं तुम्हें पीछे बता है ये बात की बात थी, आज तुम्हें जो पढ़ना है उस टॉपिक में बात करते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल करोगे, ठीक वही चीज आती है, एक वेक्टर हमारे पास में ए हो और एक वेक्टर हमारे पास में बी हो, ठीक। वेक्टर हमारे पास दो होंगे, ठीक, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। दो वेक्टर हमारे पास में होंगे, एक वेक्टर ए होगा एक वेक्टर बी होगा, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा होगा। जब हम दो सदिश का गुणन करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, सामने लिखा है तुम्हारे पास में सदिश, आप दिमाग में आना चाहिए कि हम क्रॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, सदिश गुणनफल कर रहे हैं, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू इसका परिमाण ए, इसका परिमाण बी, और इसके साथ में साइन थीटा, और उसके साथ में एन फाई। ये तुम्हारे पास में बनता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक, दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू इसका परिमाण और इसका परिमाण साथ में साइन थीटा। साइन थीटा को क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनजेंट होता है ना हमारे पास, साइनजेंट को हम क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। और ये तुम्हारे पास में क्या है, एन कैप, एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक, जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, दिशा बताएगा, ठीक। अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी डिफिनेशन बताओ कोई लोग, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक समझो, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण, उनके परिमाण तथा उनकी ज्या के गुणनफल के बराबर, बात समझ गए, क्या लिखेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण तथा उनकी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। और ये तुमको लाइन लिख लेनी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप क्या तुम्हारे पास में है, क्या एन कैप, दिशा, दिशा बताओ, एक काम को देखो, तुमको पता है हम सदिशों का सदिश गुणनफल कर रहे हैं। एक चीज तुम्हारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि जो कल मैंने बताया था कि सदिश और सदिश की जब हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास दो कंडीशन होती हैं, एक बार मुझे अदिश मिलता है और एक बार मुझे सदिश मिलता है, ठीक, जिसको मैंने बताया था कि टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये मैंने इसका एग्जांपल दिया था, इसका एग्जांपल डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस, ये एग्जांपल दिया था कि नहीं, कि बल और विस्थापन हमारे पास में कैसी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं, लेकिन कार्य हमारे पास में कैसी राशि, अदिश राशि, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक। जब सदिश और सदिश की गुणा करें मुझे सदिश ही मिले तो मैं इसको क्रॉस में बोलता हूँ, बस इतना सा समझ लो, जहाँ पे अदिश लिखा हो समझ जाना डॉट की बात कर रहा है, जहाँ पे सदिश लिखा हो ठीक समझ जाना क्रॉस की बात कर रहा है, ए क्रॉस बी की बात कर रहा है। अभी हम इसकी दिशा निकालना तुमको बता देंगे, ठीक।
इतना तुम जो मैंने डिफिनेशन बोली वो डिफिनेशन लिख लो कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण तथा ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, इतना तुम्हें लिखना है। साइंजेंट मतलब ज्या, दो ही दो की ये बात चलते हैं, कोसेंट मतलब होता है हमारे पास है कोज्या, और एक तुम्हारे पास होती है टैंजेंट, टैंजेंट का मतलब होता है स्पर्श, ये इंग्लिश नाम पर है इसका नहीं। मैं कहीं पे ज्या की बात करूँ तो समझ जाओ साइन की बात हो रही, मैं कोज्या की बात करूँ समझ जाओ कॉस की बात हो रही, मैं स्पर्श ज्या की बात करूँ तो समझ जाओ टैन की बात हो रही, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि वेक्टर ए था तुम्हारे पास, ये वेक्टर बी है तुम्हारे पास में, ठीक है, ये इनका क्या लिखा हुआ है, परिमाण लिखा हुआ है, ठीक, वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, और ये साइन थीटा क्या है, ज्या है, इन दोनों के बीच के जो एंगल दिया गया हमें, ठीक है, इनकी ज्या, और ये एन कैप क्या तुम्हारे पास में है, एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश जिसको हम बोलते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या रहता है, दिशा बताना, क्या काम रहता है, दिशा बनाना बताना, ठीक है। अब समझो थोड़ा मेरी बात, यहाँ पर दो नियम लागू होते हैं, मेरी बात को थोड़ा गौर से समझना, मैं ये फिगर फिर से बना रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, इस चीज को समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि अभी जब तुम निकालोगे कि आई क्रॉस जे, वही मैं पूछ दूंगा तुमसे, ठीक है, तब तुम्हें दिक्कत होगी कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, ठीक, दिशा तुम बता पाओगे, दो दिशाएं हो सकती हैं, पेंच का नियम पढ़ा किसी ने, पेंच का नियम पढ़ा, स्क्रू का नियम, लॉक स्क्रू पढ़ा है ना, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा है ना। एक बात याद होगी तुम लोगों को, जो मैं हाई स्कूल में पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ दिशा निकालना तुम लोगों को बताया, याद है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ लिख दूँ ए क्रॉस बी, ठीक, ऐसे में लिख दूँ तुम्हारे पास ए क्रॉस बी, इसके साथ में तुम्हें पता है कि दिशा जरूर होगी, क्यों, क्योंकि सदिश है, सदिश में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता, दोनों चीज़ होती है, तुम परिमाण तो निकाल लोगे, ठीक, अगर तुम्हें दिशा निकालने को आ गया तब तुम क्या करो, ठीक, तो वो कैसे निकालोगे, यहाँ पे कुछ भी तुम्हारे पास में लिखा हो, जैसे ये ए से बी की ओर ही तो हमसे कह रहा है, किधर की ओर कह रहा है, अगर तुमसे ये लिखा हुआ है और तुम्हारे पास ये लिख दिया वेक्टर बी इंटू ए, जो मैं कम्यूटेटिव लॉ बता रहा था वो चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगी, कल तो तुम्हारी फॉलो हो रही थी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये दोनों इक्वल आ रहे थे ना, आ रहे थे ना, ये अदिश गुणनफल था, ठीक, यहाँ पे तो इक्वल आ रहे थे, यहाँ पे तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब वितरण नियम जो था, ठीक, जो कम्यूटेटिव लॉ तुम्हारा था वो यहाँ तो फॉलो कर रहा था, बट देखना क्या यहाँ फॉलो करेगा, देखना जरा सर, दो कंडीशन हो सकती है तुम्हारे पास, समझो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, पहले हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं, यही तो तुम्हारा दाएं हाथ, yes, मैं इधर खड़ा हूँ, जो मेरा सीधा हाथ वो तुम्हारा भी उल्टा हाथ होगा, क्योंकि हम खड़े हैं ना विपरीत में खड़े हुए, ये मेरा है, ठीक है, मैं दाएं हाथ का नियम लगाऊंगा, मुझे जाना किधर की ओर है, ए से बी की तरफ, मतलब जिधर की ओर जाना ए वेक्टर दिया गया उधर अपनी उंगलियां कर दो, क्या कर देना है मुझे, उंगलियां कर देना, ये ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां कर दो, ये वाली जो उंगलियां तुम्हें दिख रही है, ठीक, ये ए वेक्टर की तरफ कर दो, ठीक, जाना किधर की ओर है, घूमना किधर की ओर है, बी वेक्टर की तरफ, तो अंगूठा बताएगा दिशा को, अंगूठा क्या बताता है, दिशा को, ए वेक्टर इधर की ओर, जिधर वेक्टर है ए वाला उधर अपनी उंगलियां फैला दो, ठीक, आगे क्या लिखा हुआ, वेक्टर बी लिखा हुआ है, वेक्टर बी की तरफ अपनी उंगलियां मोड़ो, तो अंगूठा बताता है बल्कि दिशा, ये बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर, कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास तीन तल होते हैं, एक तल एक्स अक्ष होता है, एक तल वाई अक्ष होता है और एक तल जेड अक्ष होता है, ये जेड इस प्रोग्राम पे तो ऐसे बना देता है, ये ऐसे होता है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ये तीनों अक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, मैंने कहा ये वेक्टर तुम्हारा ए है और ये वेक्टर तुम्हारा बी है, ठीक है,
अब देखो उंगलियां हमने किधर की, वेक्टर ए की तरफ जाना मुझे किसकी तरफ है, बी की तरफ, तो बी की तरफ मोड़ दो, अंगूठा बताएगा बल की दिशा, मतलब किधर की ओर जा रहे हैं, जेड की अक्ष, अक्ष कौन सी है, जेड की ओर, अगर मुझे इसकी दिशा बतानी हो तो किस अक्ष की ओर जाएंगे, जेड अक्ष की ओर, ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, जेड अक्ष की ओर, मतलब के का इसको लिखते हैं ना, अक्ष तुम्हारे पास में जेड अक्ष होगी, और जेड अक्ष पे एकांक वेक्टर कौन बताता है, के का, ठीक है, इसको हम के का लिखते हैं, अच्छा ये बात हुई, इतनी बात समझ गए, अगर तुम्हें दिशा बताना, ठीक, अब बात आती है बी क्रॉस ए की, कहे की बात आ रही है, बी क्रॉस ए की, ये है तुम्हारे पास में बी वेक्टर, और ये वेक्टर तुम्हारे पास में क्या, ए वेक्टर है, ठीक, मुझे किस साइड पे जाना है, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, तो जिधर जो वेक्टर हमारे पास में होगा, ठीक, जैसे मान लो ये हमारे पास में, हम ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा, वरना कंफ्यूज ना हो, ठीक, जैसे मैंने बना दिया, ये तुम्हारे पास में बी वेक्टर है, और ये तुम्हारे पास में ए वेक्टर है, ठीक, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, वेक्टर बी, वेक्टर बी जाना किधर की ओर है, वेक्टर ए की ओर, तो तुम दाएं हाथ में क्या करते हो, दाएं हाथ है तुम्हारे पास में, जिधर पहले जो वेक्टर दिया गया उधर अपनी क्या करते हो, उंगलियां करते हो ना, तो अपनी उंगलियां करोगे इधर, ऐसे इस हाथ को थोड़ा उधर से घुमाना पड़ेगा, ठीक है, उधर से आ करके इधर सारा सामान रखा होना, उधर की ओर ही आते, ठीक है, ये हाथ थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेता हूँ, ये वेक्टर हमारे पास ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है, ये बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर की तरफ क्या मेरी है, उंगलियां हैं, ठीक है, घुमाना मुझे किसकी तरफ है, ए वेक्टर की तरफ, इसको ए वेक्टर की तरफ घुमाऊं तो क्या बताएगा, अंगूठा क्या बताता है, बल की दिशा, बी वेक्टर है, बी वेक्टर की तरफ उंगलियां, ठीक, इधर ए वेक्टर है, उधर की तरफ मुझे मोड़ करना, फोल्ड करना, अंगूठा क्या बताता है, बल की दिशा, तो अब अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, यही तो तुम्हारे पास जेड अक्ष थी, इस जेड अक्ष के विपरीत ही तो जेड अक्ष होगी, तो वो कैसी होगी, माइनस की, तो मतलब यहाँ पर क्या निकल के आएगा, माइनस का के का, तो यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, यहाँ पर के है, यहाँ पर माइनस के है, ये एक दूसरे के क्या बराबर है, परिमाण तो इनका बराबर है, परिमाण तो इनका बराबर कर सकते हैं, ठीक, परिमाण तो बराबर होगा, बट इनकी दिशाएं आपस में क्या हो गई, विपरीत हो गई, इसीलिए लिखा जाता है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ का नियम फॉलो नहीं करता है, बात को समझ गए, अब अगर हम बात करें पेंच के नियम, ये तो तुम्हारा था किसका, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, पेंच घुमाना सब लोग जानते हो, पेंच जैसे ये है, पेंच को हम ऐसे ऐसे घुमाएं तो पेंच नीचे की ओर जाता है, ठीक, अगर हम सीधे सीधे पेंच को घुमा रहे हैं तो पेंच कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, अगर हम पेंच को उल्टा घुमाएं तो पेंच हमारा कहाँ निकलेगा, ऊपर की ओर, मतलब अगर हम ए बी से, पहले समझो यहाँ से पेंच ये है हमारे पास में, इसको हम सीधा घुमा रहे हैं, ठीक, सीधा घुमा रहे हैं, सीधा घुमा रहे हैं, ए से सीधा घुमाओ, यहाँ पे ए वेक्टर मान लो इसको, ये तुम्हारे पास में ये वेक्टर ए है तुम्हारे पास में, ये वेक्टर बी है तुम्हारे पास में, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये तुम्हारे पास में क्या है, जेड अक्ष है, ठीक, तुम पहले क्या है, ए से बी की तरफ, यही तो बढ़ रहे हो, ए से बी की तरफ सीधा तुम्हें घुमाना, कैसे घुमाओगे, पेंच को सीधा घुमाओगे, सीधा सीधा घुमाओगे, ठीक है, पेंच को उल्टा होगा ना, पेंच को सीधा घुमाते रहो, सीधा घुमाते रहो, तो पेंच कहाँ जा रहा है तुम्हारा, अंदर की ओर ही तो जा रहा है पेंच, ठीक, तो अंदर की ओर जब पेंच जाएगा तो माइनस में दिशा होगी, अगर हम उल्टा घुमाते हैं ऊपर की ओर अगर आएंगे, ठीक, तो पेंच ऊपर की ओर जाएगा ना तुम्हारे पास, तो ये दिशा ऊपर की ओर जाएगी, मतलब जो जेड एच है तुम्हारे पास में, एक बार ऊपर की ओर आएगी और एक बार कहाँ जाएगी, अंदर की ओर जाएगी, ठीक ना, अगर पेंच से समझ पा रहे तो बोतल की ढक्कन, ठीक, बोतल की ढक्कन को सीधा कसो तो कसने लगती है ना, फिर उसको खोलो तो ऊपर होने लगती है ना, ऊपर की ओर आ रही है तो प्लस में, नीचे की ओर जा रही है तो माइनस में, ठीक, ये तुम्हारे पास दो नियम थे इसके, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जो तुम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा रखा, ठीक, हस्त नियम पढ़ा था ना, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक, बाकी ये तुम्हें कुछ करना नहीं है, इतना मैंने तुम्हें दिशा निकालना बता दिया कि हम कैसे दिशा निकालेंगे, ठीक, अच्छा।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, कुछ इसके गुण होते हैं कि थीटा इक्वल टू जीरो वन, वही बात आती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, हमें पता है कि अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो बराबर में हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा एन, यही तो होता है हमारे पास में। अभी देखना बहुत बड़ी चीज कि वैज्ञानिकों में मतभेद कैसे होगा, एक यहाँ पर ट्विस्ट तुम्हारे सामने आएगा, समझो कि ए क्रॉस बी मुझे निकालना है। ठीक, तुमने ए बी लिखा साइन थीटा, साइन थीटा कितना रख रहे हैं जीरो, फर्स्ट कंडीशन में, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन तुम्हारे पास, साइन जीरो ये तो एन कैप हो जाएगा, ए बी साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो एन कैप, मतलब ये पूरा क्या हो गया जीरो हो गया। ए क्रॉस बी कुछ तुम्हारे दिमाग में आया, क्या आया, क्या आया दिमाग में, क्या सोचा, वहाँ पे जैसे हम निकालते, मैं डॉट निकालता था तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी आता था ना हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण आता था। ठीक, परिमाण आता था ना हमारे पास में कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण, यही तो आ रहा था, उसमें दिशा तो आ नहीं रही, आ रही थी दिशा नहीं आ रही थी, बट यहाँ भी देखो एक चीज कि वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी है और ये जीरो हमारे पास में है क्या, है तो एक वैल्यू ही है, तो एक परिमाण ही, तो यहाँ भी तुम्हारे पास में एक परिमाण आ रहा है, लेकिन हमने तो पढ़ा रखा है कि सदिश का गुणनफल अगर हम सदिश से करते हैं तो हमें सदिश ही मिलता है। मैंने भी तुमको बताया कि अगर हम दो सदिशों का सदिश गुणन करें तो मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा, बट यहाँ पे तो ये नियम फॉलो नहीं हो रहा, फॉलो हो रहा है। अब वैज्ञानिकों के मन में हो गए मतभेद स्टार्ट। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वो बहुत होशियार होते हैं, ठीक, पढ़े लिखे इंसान होते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट कर डाला। जब उन्होंने देखा कि दो वेक्टरों को आपस में जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर देखा कि मुझे मिला शून्य, क्या मिला शून्य, कहने का मतलब शून्य मिला, और ये शून्य तो एक है परिमाण, लेकिन परिमाण तो आता है अदिश में और सदिश में भी परिमाण आ गया, तो ये तो गलत हो गया ना। इन्होंने क्या किया, इसका नाम ही रख दिया नल वेक्टर, पढ़ा नल वेक्टर, शून्य सदिश जिसको बोलते हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि पीछे का बैकग्राउंड मत चेंज करो और इसका नाम ही चेंज कर दो। ठीक, इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया इसका, उसका नाम ही रख दिया कि शून्य सदिश होता है, मतलब ए क्रॉस बी बराबर शून्य मतलब जीरो। ठीक, ये तो एक परिमाण था तो उन्होंने इसका नाम रख दिया नल वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया कि अगर हम दो सदिश की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो भी हमें क्या मिल रहा है, सदिश ही मिल रहा है, नल वेक्टर मिल रहा है मुझे। ठीक, और ये भी एक क्या है, सदिश। ठीक, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हम थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू फार्मूला वही तुम्हारे पास में, ए बी साइन थीटा एन कर, ठीक है, ए बी परिमाण है तुम्हारे पास में, साइन 90 डिग्री एन कर, साइन 90 का मान कितना होता है, कितना होता है वन होता है, ये एन कैप होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहेगा तुम्हारे पास में। ए क्रॉस बी, यहाँ पे तुम्हारे पास में एन एकांक यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिशा मिल रही है, दिशा भी है और परिमाण भी है, दिशा भी है और परिमाण भी है, मतलब ये हमारे पास में क्या है, वेक्टर है, सदिश है, मैंने दो सदिशों की मल्टीप्लाई कराई तो मुझे क्या मिला, सदिश मिल गया। ठीक, बात फॉलो हो गई। थर्ड नियम भी देखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल फार्मूला मेरे पास वही ए बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साइन थीटा का मान 180 डिग्री एन कैप, अब साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, ए क्रॉस बी तुम जानना कितना होता है, 180 90 प्लस 90, 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन 91 माइनस का, ठीक, तो माइनस का ए बी एन कैप, यहाँ भी क्या लगा हुआ है एन कैप, मतलब ये भी हमें क्या, परिमाण भी है और दिशा भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है, मतलब हमें तीनों रूल्स क्या हो गए, फॉलो कर रहे हैं कि अगर हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो मुझे एक सदिश ही मिल रहा है। आज समझ में आ गई कि सदिश वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास में, ये पूरा अपना
अब ये जो जीरो है इसको हम नल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, मेरे ख्याल में दे रहा हूँ, तुम लोग करना। ठीक है, अगर तुम लोग समझ गए हो, ठीक है, अगर तुम्हारी समझ में आ गया है तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल मुझे लगा के देखो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है तुम्हारे पास, ये एक्स एच है, ये वाई एच है, ये एक्स एच है, ये वाई एच है और ये जेड एच है। ठीक, इस पर एक वेक्टर दिया गया है, मैंने एक मान लिया, ये ऐसे दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक, तुम्हें बताना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये तल है, ये हमारे पास में तल बोर्ड का है ना। ठीक, तो ये तल हम बोर्ड का लेंगे, मेरे पास तल का है ना, बोर्ड का, जैसा कागज का तल होगा तो कागज का तल लोगे, बोर्ड का तल है तो बोर्ड का तल लोगे, स्मार्ट बोर्ड होगा तो स्मार्ट बोर्ड का तल हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे पास एक्स वाई जेड ये अक्ष दी गई है तुम्हारे पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल 30 डिग्री दिया गया, तुम्हें ए क्रॉस बी बताना है कि कितना होगा। जस्ट 2 मिनट, जल्दी से सॉल्व करके ये 8 है ये 3। परिमाण में भूल गया, इसका 8 है, इसका बी का 3 है, ऐसे गलत हो गया। अभी मैंने तुमको सिखाया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंगल, ये एंगल तो यूनिट वेक्टर था तुम्हारे पास, इसके साथ में तुम्हें दिशा बताता है सिर्फ ये। ठीक, तुम सब लोगों ने क्या किया, ये एन कैप उठा के रख दिया करके वहाँ पे, ये एन कैप तो इस फार्मूले का बेस है, एन का मतलब एन कैप होता क्या है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिशा बताएगा। तुम सब लोगों ने एन कैप लिख दिया के लास्ट में। ठीक, सोचो जरा सा, पहले तो तुम्हें इसका मॉड निकालना पड़ेगा। ठीक, पहले तो इसका मॉड ही तो निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड का मतलब क्या, इसके परिमाण निकाले, परिमाण ए का कितना दिया गया, 8 दिया गया, बी का कितना दिया गया, 3 दिया गया। ठीक है, साइन थ्रीटा लिखा, साइन थ्रीटा मतलब साइन 30 लिखा, 8 × 24 इंटू साइन 30 / 2 ये कटा तो 12 आया, ये 12 आया इसके साथ में। ठीक, कितना आया, 12 आया, तो ये इसका परिमाण निकल गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण था। तुम्हारे पास में तो ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, मतलब संपूर्ण वेक्टर तभी होगा जब उसके साथ में दिशा हो, अन्यथा वो वेक्टर नहीं होगा, वो क्या होगा, अगर जिसके साथ में परिमाण है, ये सिर्फ इसके साथ में परिमाण लिखा हुआ है तो ये अभी अदिश है ना, लेकिन तुम सीख क्या रहे हो, सदिश सीख रहे हो ना, कि ए और बी दो हमारे पास में सदिश है, अगर मैं उनका क्रॉस कराता हूँ तो मुझे मिलता क्या है, आकर के एक सदिश ही मिलेगा, क्या मिलेगा, सदिश। तुम लोग यहाँ पे अंतर लिख दिए, बस काम खत्म हो गया। ठीक, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाए, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, एन कैप का मतलब होता है दिशा बताना, मैंने अभी कहा दाएं हाथ का नियम यूज करो, वेक्टर ए की तरफ अपनी उंगलियां ले जाओ और वेक्टर बी की तरफ घुमाओ, अंगूठा बताएगा बल की दिशा, ये बल किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर, मतलब जो ये एच जेड बाहर की ओर है, ये जेड किधर की ओर होगी, पीछे की ओर, मतलब माइनस का के, माइनस का के, तो माइनस का ये एन कैप नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा। अब ये तुम्हारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस का 12 के, ये कंप्लीट तुम्हारा सदिश हुआ। आज समझ में आ गई, समझ में आ गई, क्योंकि तुम्हें पता है कि सदिश वही चीज होती है जिसके साथ में दिशा और परिमाण दोनों हो। अब देखो इसके साथ में दिशा भी और इसके साथ में परिमाण, दोनों चीजें हमारे पास में। ठीक, तो ये इसका हो गया ए क्रॉस बी, आप शायद समझ गए। नोट कर लिया ना, इसीलिए तो मैं छोटी छोटी चीजें सीखा। प्रॉपर्टी जाओ वेक्टर, मतलब सदिश के
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कहने का मतलब सदिश गुणनफल के गुण, ठीक है। फर्स्ट कम्यूटेटिवला, फर्स्ट क्या कम्यूटेटिवला मुझे चेक करना है, ठीक, कि क्या कम्यूटेटिवला सदिश जो हमारे पास में वेक्टर है इस पर सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। अभी तक तुम्हें ये देखो, पीछे तुम कर रहे थे, अगर हम ए डॉट बी वेक्टर निकालते थे तो हमारे पास में बी डॉट ए वेक्टर आ जाता था, ये दोनों इक्वल होते थे, मैंने करके भी तुमको दिखाया था, ठीक, घूम फिरा करके तुम्हें हांगड़ा बना करके तो भी मैंने किया था, जो भी तुमको समझ में आया हो, ये तो इक्वल थे, बट यहाँ पर ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक चीज तुम्हारे दिमाग में आती होगी, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होगे, जो मैं पीछे भाषण दिया करता था पीछे क्लासों में, ठीक है, जब तक जब तुम्हें बोरिंग लगती थी ये क्लास, ठीक, कि अगर कोई भी वेक्टर ए हमारे पास में है, कोई भी ए वेक्टर हमारे पास में है, ठीक है, और इसका मैं विपरीत निकालता था, क्या निकालता था, विपरीत वेक्टर निकालता था, ठीक है, पीछे की ओर आता था, तो वो हमारे पास में माइनस से वेक्टर होता था, होता था कि नहीं होता था, ठीक, अब वहीं से तुमको ये चीज पकड़नी है थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से इतना देखो कि ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, मतलब वितरण नियम, मतलब हम एक लाइन में चलते चले जाए, कम्पटिटिव लॉ मेरा क्या कहता है कि जो भी मैं ए डॉट बी बराबर मल्टीपल में तुम्हारा बन गया था, ए डॉट बी बी डॉट ए कैसे भी हम लिख रहे थे इक्वल आ रहा था, बट यहाँ पे ए के विपरीत, ए के विपरीत, इधर ए से इधर की ओर जा रहे हैं, इधर बी से ए की ओर जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, तो दिशा चेंज हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगा, ये तब बराबर होगा अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो अब ये तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, अगर मैं इसके साथ में माइनस चिन्ह ले लेता हूँ तब ये इक्वल हो जाए, अभी मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया था तुम्हें, अभी तो मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि ये ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए आपस में इक्वल क्यों नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की ओर और बी क्रॉस ए की दिशा अंदर की ओर, एक दूसरे के कैसे थे, विपरीत थे, अगर मैं माइनस चिन्ह लगा देता हूँ यहाँ पे तब तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, इससे तुम क्या सीखे, तुमने सीखा का क्या सीखा, कि हाँ कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट फॉलो, ठीक है, कि कम्यूटेटिव लॉ जो होता है तुम्हारे पास में सदिश में वो फॉलो नहीं करता है, ठीक, पहला पॉइंट यही लिख लो कि सदिश गुणनफल क्रम बिन्वे नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए मैं कह रहा था कि वेक्टर इतने दिन चल रहा है तो कोई मुझसे थोड़ी ना चल रहा है। ये लिख लेना, यहाँ पे इतनी चीज लिख लेना, ये इक्वल तभी होंगे जब इसके साथ माइनस होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है उसका नियम पालन करता है, ठीक है, सीधे सीधे पॉइंट लिख लो कि सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, कि मतलब मुझे ऐसे निकालना है, ठीक है, ये देखो इधर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वहां पे क्या था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ऐसे तो था हमारे पास में, मैं इससे इसकी मल्टीप्लाई करा देता था, इससे इसकी मल्टीप्लाई करा देता था, यहाँ भी मुझे वही काम करना है, ठीक, कि ए की बी से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर ए से सी की मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक, तो देखो ए की इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, इसको अंदर एक ब्रैकेट में बंद कर लेना, फिर हमारे पास में
प्लस लगेगा, सॉरी यहाँ पे बी प्लस, ए क्रॉस बी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी ये फॉलो करता है, ऐसे लिख लो। थर्ड पॉइंट लिखना है तुम्हें, जो पैरेलल होते हैं हमारे पास में, पैरेलल पैरेलल का मतलब समझते हो, समांतर, ठीक है, जो समांतर सदिश हमारे पास में होंगे उनका परिमाण कितना आता है, समांतर, हाँ समांतर सदिश का परिमाण कितना होगा, कितना होगा, जीरो होगा ना, नल वेक्टर मिलेगा मुझे, ठीक, यही थर्ड पॉइंट लिखो। दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है, दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण शून्य होता है। निकाल चुके हो ना कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास में ए बी साइन थीटा एन का, यही तो होता है, समांतर होंगे तो एक दूसरे के समांतर होंगे, उनके बीच में एंगल कितने इंच का होता है, जीरो डिग्री का, तो ए बी साइन जीरो एन का है, साइन जीरो का मान जीरो, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये जीरो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसको हम नल वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, शून्य सदिश, इसका नाम ही वैज्ञानिक ने रख दिया शून्य सदिश, ठीक। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, कोई वेक्टर हमारे पास में हो, थोड़ा सा सपोज करो कि ये ए वेक्टर है और इसका इसी वेक्टर के साथ मल्टीपल करें, ठीक है, कोई ए वेक्टर हो और इसका इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, ए वेक्टर है और इसका इसी ए वेक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई वेक्टर निकालते हैं ए क्रॉस ए, तो फार्मूला तो यही होता ना तुम्हारे पास में, ठीक है, मतलब ए बी, ए का परिमाण बी का परिमाण, तो यहाँ पर ए का परिमाण क्या होगा, ए का परिमाण क्या होगा, ए, अब जब दोनों वेक्टर एक ही होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल ही तो होंगे, समांतर ही तो होंगे, और समांतर जब होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो साइन जीरो एन का ये भी हो जाएगा और ये एक राशि जो निकल के आएगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। अब यहाँ से तुम्हें एक चीज सीखने को मिलेगी, ये नल वेक्टर, यहाँ से एक चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी, यदि यहीं पे पॉइंट नोट करके तुम्हें, अगर हम आई का आई के साथ में करें तो जीरो होगा, अगर मैं जे का जे के साथ में करता हूँ तो जीरो होगा, अगर मैं के का के के साथ में करता हूँ तो जीरो होगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें न्यूमेरिकल में, ठीक, कि अगर आई क्रॉस आई है तो जीरो होगा, जे क्रॉस जे है तो वो डॉट में होता है, ये क्रॉस है तुम्हारे पास में, ये तो ध्यान दो, ठीक, वो अदिश गुणनफल था या सदिश गुणनफल है, ठीक, अभी तुम प्रूफ कर चुके हो, तुम्हारे पास में प्रूफ है, तुम निकाल चुके हो ना अभी कि अगर मेरे पास में खुद एक वेक्टर है उसका उसी वेक्टर के साथ में मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, नल वेक्टर मिल रहा है, हमारे पास में आई वेक्टर है, आई वेक्टर है तो इसका हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, जे क्रॉस जे है तो जीरो है, के क्रॉस के है तो जीरो है, वो तुम डॉट में पढ़े हो कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर वो वन होता था वहां पे,
ठीक, वहां पे cos 90 डिग्री सॉरी cos 0 का मान 1 होता है, ठीक, इसीलिए i डॉट i दोनों वेक्टर एक जैसे होते हैं तो 1 हो जाता है, उसका परिमाण ही 1 होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? कंफ्यूज हो जाती है वो क्रॉस था ये डॉट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मतलब इससे क्या पता चला, इससे तुम्हें क्या पता चला कि किसी सदिश के स्वयं के साथ अगर हम सदिश की गुणन करते हैं तो मुझे नल वेक्टर मिलता है, शून्य सदिश मिलता है। ठीक, कितना पॉइंट था? पांच नंबर, चार नंबर था, पांच नंबर लिखो, पॉइंट लिख लो, मैं समझा दे। तो दो परस्पर मतलब ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जैसे ये वेक्टर ए है हमारे पास में और ये वेक्टर बी है हमारे पास में, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होंगे। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है, दो सदिश परस्पर कैसे होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। ठीक है, लंबवत होंगे तो उनका परिमाण उनके गुणनफल के बराबर होता है। सिद्ध करके देख लो, तुम्हें पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू फार्मूला तुम्हें पता चल गया कि ए बी साइन थीटा टेन का है। ठीक, मतलब इन दोनों का परिमाण ही तो लिखा है हमारे पास में, तो ए बी साइन थीटा, अब थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री, एन का साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब ए बी एन का ए क्रॉस बी। क्या पता चला तुम्हें कि यदि दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उनका परिमाण सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण तुम्हें मिलेगा, परिमाण और उसके साथ में दिशा होगी। ठीक, एक दूसरे के यदि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। ठीक, एक लास्ट पॉइंट इसमें और लिख लो, वो तुम्हारे काम के 6 पॉइंट लिख लो इसका। लंब कोणीय इकाई सदिश आई जे के पारस्परिक सदस्य गुणनफल, कहने का मतलब है कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। एक्स अक्ष पर आई है, इस पर जे है और इस पर एकांक वेक्टर क्या है, के का है। ठीक, लंब कोणीय इकाई सदिश जो तुम्हें पॉइंट ये लिखना है, लंब कोणीय इकाई सदिश आई जे तथा के का पारस्परिक सदिश गुणनफल। पारस्परिक सदिश गुणनफल मैं एक बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, बाकी तुम लोग अपने आप निकाल लेना। एक मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इनका आपस में गुणन करना है। ठीक, थोड़ा सा समझो, अभी समझ जाओगे, बहुत आसान चीज़ है क्योंकि पीछे तुम समझ चुके हो। फर्स्ट कंडीशन में देखो, मैं इनका पारस्परिक गुणन करा रहा हूँ, इधर अब देखो, ठीक, आई और जे इन दोनों का पारस्परिक गुणन कराऊंगा। ठीक है, आई के साथ में जे का क्रॉस कराऊंगा तब मुझे क्या मिलेगा, यही हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास में तुम्हें पता है कि एक्स एच वाई एच जेड एच ये तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक, परस्पर परपेंडिकुलर ये होते हैं तुम्हारे पास में, तो आई क्रॉस जे तुम्हें बताना है ये किसके बराबर होगा, जब हमारे पास में आई होगा और जे होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये हमारे पास में कोण कितना 90 डिग्री का, अगर हम बात करें आई क्रॉस जे की, ये दो ही तो वेक्टर है हमारे पास में, एक आई वेक्टर है एक जे वेक्टर है, पहले तो हम इसका परिमाण लिखते हैं, तो इसका परिमाण क्या होगा, आई होगा, इसका परिमाण कितना होगा जे होगा, उसके बाद फार्मूला क्या होता है साइन थीटा साइन 90 और एन पाई आई डॉट जे साइन 90 डिग्री साइन 90 कंफर्म हो, ये आया तुम्हारे पास में आई डॉट जे और इंटू में एन कैप, ये एन कैप आ रहा है ना, अब मुझे एन कैप मतलब दोनों का परिमाण तो लिखा है हमारे पास में, बट मुझे ये दिशा बतानी कि जो एन कैप होगा वो क्या होगा, ये तुम लोग मुझे निकाल के जरा सा बताओ किसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी। आई है और जे है दो वेक्टर हमारे पास में है,
ठीक है, इनकी तुम्हें बतानी है दिशा क्या होगी, के कैप होगी, क्या होगी के कैप होगी ना, कंफर्म हो, कंफर्म लॉक कर देना। आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास में, ऐसे निकाल लोगे सारे, निकाल लोगे ना। अगर मैं बात करूं जे की और के की, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, वही नियम दाएं हाथ का नियम तुम्हें लगाना है, ठीक। आई के जिधर, आई से हम किधर की ओर जा रहे हैं, जिधर की ओर जाओ, ठीक है। आई से मैं जे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये उंगलियाँ हमारी किधर होंगी, आई की तरफ जाना मुझे कहाँ है, जे की तरफ, जे की तरफ, तो अंगूठा बताएगा बल की दिशा, अंगूठा किधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर, तो बाहर कौन सा अच्छा है, जड़ अच्छा है ना, उस पर एक आंख फिट क्या है, के है, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, बात समझ गए। एक लास्ट चीज है, इरेज करें, नो सर, यस सर, जी सर, निकाल लोगे ना, यस सर, ठीक, तुम्हें निकाल के बताना है मुझे, आई क्रॉस जे तुमने निकाल लिया है, ठीक है, तुम मुझे बताओगे जे क्रॉस के, ये फल निकाल लेना सारे, जे क्रॉस के की वैल्यू निकाल के बताना मुझे क्या होगी, के क्रॉस आई, आई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, के आई की होगी, जे क्रॉस की हो गई, ठीक है, फिर इन्हीं का उल्टा कर देना, आई क्रॉस के कर देना, फिर के क्रॉस जे कर देना, और जे क्रॉस आई कर देना, ये सारी वैल्यूज तुम्हें निकालनी है। लास्ट चीज बची है तुम्हारे पास, बस वेक्टर से तुम बरी हो जाओगे, नाव की गति अब कभी भूलना मत। अभी तक तुम सिर्फ रटते थे ना कि सदिश जो होते हैं उनके साथ में दिशा और परिमाण होता है, सिर्फ बताया गया तुम्हें, आज आज जो मैंने तुम्हें सिखा भी दिया कि उसके साथ में दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, ठीक, तुमने विद प्रूफ किया है, अदिश में आज तक तुमने पढ़ा सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तुमने देख भी लिया, ठीक, प्रूफ करके भी तुम्हारे सामने रिजल्ट भी आ चुका है कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, ठीक। अब तुम्हारे पास आती है बात, अगर मुझे एक्स वाई जेड को शारीरिक रूप में व्यक्त करना होगा, ठीक, किस रूप में, शारीरिक रूप में, हमारे पास तीन दो वेक्टर होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक, इनको एक्स वाई जेड के घटकों में शारीरिक रूप में हम व्यक्त करेंगे, ठीक, बस छोटा सा टॉपिक बचा है, परेशान मत होना, दो चार पाँच मिनट रुको, बस ये वैल्यूज निकाल लेना अपने पास में, ठीक, सब लोग। अगर तुम्हारे पास कोई दो वेक्टर दिए गए होंगे, वेक्टर ए इक्वल टू और वेक्टर बी इक्वल टू, ठीक है, तो इसके साथ में एक्स आई का प्लस एक्स है, फिर वाई एच होगी, तो उसके साथ जे होगा, प्लस ए जेड होगा, ठीक है, तो इसके साथ में के होगा, इसके साथ में बी एक्स आई कैप होगा, प्लस बी वाई जे होगा, प्लस बी जेड के साथ में के होगा, ठीक। इसको मैं एक न्यूमेरिकल के तरीके समझाऊँ तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल से समझाऊं तो तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। इसका तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना होता है, क्या निकालना होता है, ए क्रॉस बी निकालना होता है। कोई तुम्हें दो वेक्टर दे देगा, तुमसे पूछेगा कि ए क्रॉस बी बताओ इनका कितना है, ठीक, एक न्यूमेरिकल के तरीके से बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत आसानी समझ जाओगे, और न्यूमेरिकल भी तुम्हारे इसी तरीके से पूछेगा। जैसे मैंने लिख दिया कि वेक्टर ए इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 2i + 3j + 3 और प्लस में लिखा हुआ है सिर्फ k। एक चीज में लिख देता हूँ वेक्टर b इक्वल टू 3i + 2j + 4, ये लिख दिया, ठीक है, और तुम्हें बताना है वेक्टर a क्रॉस b, क्या बताना, ये बताना, ठीक, आसानी से समझना। मुझे जब a क्रॉस b निकालना हो, ठीक, क्या निकालना हो, ए क्रॉस बी, तो थोड़ा एक काम ऐसे कर सकते हो ना, सब लोग कर सकते हैं ना, यहाँ पे तुम्हें आई लिख लेना, जे लिख लेना, के लिख लेना,
आई लिख लेना, जे लिख लेना, के लिख लेना, ठीक। और इनके साथ में इनके जो परिमाण दिए गए हैं वो लिख लो, ठीक। इसका परिमाण कितना है? 2। इसका परिमाण कितना है? 3। इसका परिमाण कितना है? 1। इसका परिमाण कितना है? 3। इसका परिमाण कितना है? 2। इसका परिमाण कितना है? 1। ठीक। एक चीज दिमाग में रखना कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये तो याद रहेगा ना, ठीक। प्लस माइनस प्लस, ठीक। उसके बाद में करना क्या है तुम्हें, आई लिखना। क्या लिखे हुए? आई। आई के साथ में थोड़ा खांचा बना करके छोड़ देना, ठीक। फिर माइनस का है ना, तो माइनस का जे लिखना, फिर खांचा बना करके छोड़ देना। फिर प्लस का क्या है? के है, और खांचा बना करके छोड़ देना। अब समझो, अब जो है वो काम करना है। काम कैसे करना? देखो, हम आई वेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आई वेक्टर की। तो आई वाली लाइन झाँप लेनी है तुम्हें, ठीक। आई वाली लाइन झाँप लेनी है, और ये ऊपर वाला झाँप लेना है। तुम्हें दिख कितना रहा? ये चीज़ दिख रही है ना, तो इसको 3, 2, 1, 4, 1, 4 ऐसे लिख ले। उसके बाद मुझे जे वेक्टर लिखना, तो जे वाली लाइन तुम्हें झाँपनी है, इसको बंद करना है, ठीक। क्या दिख रहा है? 2, 3, 1, 4 दो लिखो, 3 लिखो, 1 लिखो, 4 लिखो। फिर क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है उसे बंद करो, ऐसे बंद कर दो। क्या बचा? 2, 3, 3, 2 2, 3, 3, 2 ऐसे लिख लेंगे। अब करना क्या है तुम्हें? ऐसे मल्टीप्लाई करना इसे, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करना इसकी आई, ठीक है। अब जो भी है, बज्र हो चाहे कुछ भी, करना चाहे देखो, इनकी इनकी गुणा करना। पहले इनकी इनकी गुणा करनी है तुम्हें, ठीक। ये 12 हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे। 2 × 2 माइनस का जे, ठीक। फिर 4 × 2 = 8 माइनस 3 × 3 प्लस के, 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 3 = 9 इतना कर लोगे सब लोग? कोई दिक्कत किसी को? ठीक। आप देखो, 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 10। इसके साथ में क्या है? आई। माइनस 8 में से 3 जाएगा, 5। 12 में से 2 गया, यहाँ पे लिखते हैं 10 आई, ठीक है। 8 में से 3 गया, 5 बचेगा माइनस का 5j प्लस का के, ठीक। उसके साथ में 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5 ही तो होगा। अगली लाइन में लिख देते हैं 10i माइनस 5j, ये प्लस माइनस को माइनस कर देगा 5k, और ये तुम्हारा क्या निकला है? a क्रॉस b। निकाल लोगे ना? किसी को कोई दिक्कत? इसके भर भर के लिए मैं कर, ठीक, समझ गए ना? निकाल लोगे? कैसे निकालना है मुझे? इसी के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल तुम्हें दिए गए, और यही तुम्हें दिया गया है पूरा। ये ए वेक्टर दिया गया है, ये बी वेक्टर दिया गया है, इसका क्रॉस सदिश तुमसे पूछा गया है, ठीक। देखो, जब हम दोनों सदिशों की गुणा करा रहे हैं तो इसके साथ में परिमाण भी है और दिशा भी है। वही चीज़ आ रही है ना, जो अभी तक तुमने सीखा है। जब हम दो सदिशों की गुणा कराते हैं तो मुझे सदिश ही मिलता है, और सदिश में परिमाण भी है और दिशा भी। आई है तो आई किस दिशा को निरूपित कर रहा है? एक्स अक्ष की ओर। जे है तो वाई अक्ष की ओर। के है तो जेड अक्ष की ओर। बात समझ में आ गई? ये तुम्हारा टॉपिक एंड होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस।